देवी की करी आराधना। यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है। क्या है छठे दिन पूजा का विधि विधान? किस मंत्र से प्रसन्न होंगी देवी? कैसे मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान? भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। नवरात्र के छठे दिन किस वस्तु की करें खरीदारी? ऊंचे पर्वत भवन निराला। ये सब बताएंगे हमारे खास मेहमान। अगले आधे घंटे बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मां कात्यायनी का दिन है, आज छठा दिन है, और आज के दिन मां के स्वरूप की पूजा हम क्यों करते हैं या क्या है आज की पूजा का विधान, यही जानने के लिए हम आए हैं और आपको ज्ञान देंगे, ताकि आप लोग भी अपने घर में जब पूजा पाठ करें तो सही विधि विधान के साथ करें। और आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं भारत के सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत बेतरा अशोका जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम, जय माता दी। गुरु जी, आपसे माँ कात्यायनी के स्वरूप को समझेंगे, उनकी पूजा अर्चना कैसे करें ये सब भी जानेंगे, लेकिन दर्शकों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। आरती की गूंज, देवी माँ के जयकार और भक्तों की भीड़, पूरे नवरात्र भर देवी मंदिरों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। माँ दुर्गा के हर स्वरूप को मनाने और अपने दिल की बात माँ को सुनाने भक्त बस खींचे चले आते हैं माँ के दरबार। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य, दिव्य और शरीर चमकीला है। अमोघ फलदायिनी है माँ कात्यायनी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की, जिसके बाद से आज भी ब्रज में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कात्यायन ऋषि ने पुत्री की इच्छा के लिए माँ भगवती की कठोर उपासना की, और तब कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, और इसीलिए देवी कात्यायनी कहलाई। भक्त माँ कात्यायनी की पूजा हर तरह की मनोकामना के लिए करते हैं, चाहे वो नौकरी की दरकार या चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अपार, बस पहुंच जाइए माँ के दरबार। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से कन्याओं को अच्छा जीवन साथी मिलता है, इसीलिए नवरात्र के छठे दिन सही विधि विधान से पूजा कीजिए और पूरी कर लीजिए अपने दिल की हर मुराद। जी हाँ, आप लोग भी पूरी कीजिए अपने दिल की हर मुराद, ताकि माँ को आप लोग प्रसन्न कर सकें। आचार्य जी यही जानने का प्रयास करेंगे कि माँ कात्यायनी को कैसे प्रसन्न करें, लेकिन सबसे पहला सवाल कि माँ कात्यायनी की हम पूजा आज क्यों करते हैं और क्या लाभ होता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, चौथा पाँचवा और छठा नवरात्रा जो है माँ लक्ष्मी का है जी, और आज के युग में हर व्यक्ति की जो मनोकामना पूर्ण होती है लक्ष्मी होने से ही होती है। लक्ष्मी होनी चाहिए, माँ का लक्ष्मी रूप की हर आदमी जो है आराधना करता है। इसमें जो है जिन कन्याओं को सुयोग्य वर की इच्छा होती है वो भी माँ कात्यायनी की दिल से पूजा करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं जी। और जिनको धन मान सम्मान घर गृह सुख की मनोकामना करते हैं वो भी माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। आज छठा नवरात्रा, तो आज हम माँ
कात्यायनी की पूजा करेंगे जी। तो अब ये जान लेते हैं आचार्य जी कि माँ कात्यायनी की पूजा हमें करनी ही है और आज छठा दिन भी है, तो उनकी पूजा का विधान क्या हो सकता है? देवी स्वरूप के बारे में अगर आप देखते हैं तो माँ का जो स्वरूप बना देवताओं की शक्तियों से, तो उसमें माता का जो स्वरूप है, माता ने जो जन्म लिया कात्यायन ऋषि के यहाँ कन्या रूप में, तो आज के दिन हम कन्याओं का पूजन, 6 कन्याओं का कम से कम पूजन करते हैं और माँ का विधिवत जो पूजा, जैसे हम कंटिन्यू बताते आ रहे हैं, पहले गणपति की पूजा करनी है, उसके बाद नवदुर्गा की पूजा करके फिर माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करते हैं जी। माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप जो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जी, बिल्कुल इस मंत्र का आप जाप करें जी। यानी कि पूरी विधि विधान के साथ माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और ये मंत्र जो है आपको अभी गुरुजी ने भी सुनाया और कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने सुनाया था, यही मंत्र जो है कात्यायनी माँ को बहुत प्रिय होता है, इस मंत्र से बहुत प्रसन्न होती हैं बहुत जल्दी माँ। आचार्य जी, पूजा के समय हम मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या आज के दिन भी करना चाहिए, यानी कि पूरे नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ को शामिल करना चाहिए? देखिए, विधान तो यह है कि आपको दुर्गा सप्तशती का एक पाठ डेली करना है। एक पाठ डेली का मतलब पूरा दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक का पाठ कवच सहित नित्य करना है, और नवरात्रों में 9 पाठ आपके हो जाते हैं। माँ दुर्गा के जो भी पाठ हैं 9 के मल्टीपल में करने चाहिए। अच्छा। नव दुर्गा है, 9 के मल्टीपल में करने चाहिए। आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए 9 के मल्टीपल में 9, 18, 27, 36, 45 इस तरीके से पाठ करना चाहिए। एक व्यक्ति तो एक पाठ ही कर सकता है एक दिन में, ज़्यादा 2 कर सकता है, लेकिन अगर आपको मनोकामना सिद्ध करनी है तो उसके लिए आप ब्राह्मण को बैठा के विधिवत आप घर में पाठ करवाइए, और जैसी आपकी मनोकामना और जैसा आप सोचते हैं, आप योग्य ब्राह्मण से पता कीजिएगा कि कितने पाठ चाहिए इस काम के लिए। किसी की कन्या की शादी नहीं हो रही है तो आप 5 ब्राह्मण बैठा के 45 पाठ करवा दीजिएगा, तुरंत आपको वर प्राप्ति होगी। जो देर हो रही है, अगर किसी के लगन ढीले हैं थोड़े से, तो उनको जो है पाठ करवाने चाहिए जी। यानी कि आप लोग पाठ भी करा सकते हैं नवरात्र में, और आप लोग करा भी रहे होंगे, खुद भी आप लोग ये पाठ जो है करा सकते हैं दुर्गा सप्तशती का। बहुत ही उत्तम पाठ ये माना जाता है, बहुत ही उत्तम शास्त्र है हमारी भारतीय संस्कृति में। गुरु जी, जो है भोग के बारे में पूछना चाहूँगी कि माँ को आज के दिन जो भोग है वो बहुत प्रिय होता है, वैसे तो 9 के 9 दिन जो है अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, लेकिन आज के दिन क्या भोग विशेष? देखिए, माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया, और उसमें जब वो युद्ध करते करते थक गई थी तो उन्होंने शहद का पान किया जी। शहद पान उनका जो प्रसन्न, उनका जो आपका जो प्रिय एकदम प्रिय जो वह है वो शहद है, क्योंकि आप ये आपके ऋषि पुत्री हैं, और ऋषि जो लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं और वहाँ पे इजीली अवेलेबल जो होते हैं फल फूल कंद, और सबसे बढ़िया चीज़ जो है शहद है। शहद के बारे में आपको बताऊं, शहद के अंदर सहस्त्र रोगों को हरने की एंटीबायोटिक क्वालिटीज हैं ये। अच्छा। आपके हमारे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि शहद इतना अच्छी चीज़ है जी, इसका सेवन करना चाहिए, और आज के दिन आप शहद का भोग लगाएं, शहद का सेवन करें, और बच्चों को और घर के सब लोगों को शहद का प्रसाद दें। यानी कि आज के दिन माँ को शहद का आप लोगों को भोग लगाना है जिससे माँ प्रसन्न हो जाए, और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि मंत्रों का उच्चारण भी घर में होना चाहिए। धूप दीप की बात करें अगर गुरुजी, तो घर में विशेषकर दिए तो जलते ही हैं, जैसे आपने बताया था कि देसी घी का जलाना होता है और साथ साथ सरसों के तेल का, धूप दीप का भी बहुत महत्व होता है कि कहीं कोई, बहुत से लोग होते हैं गूगल की धूप जलाते हैं और बहुत से लोग जो हैं अलग विशेष करके जो हैं धूप दीप का ध्यान रखते, तो क्या ये होना भी बहुत ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है। देखो, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आपको गूगल लौंग जी, इन 2 का धूप जरूर करना चाहिए। घर में अगर कोई रोग ग्रस्त है तो अगर आप ये धूप करते हैं और उसके कमरे में धुना करते हैं तो उसके रोग का
जो है नाश होगा और वो जल्दी ही शीघ्र ही स्वस्थता को प्राप्त होगा और उसके ऊपर जो है दवाइयों का असर तुरंत होगा जी। तो घर में तो ये नित्य करना चाहिए, यानी कि अपने घर में धूप दीप दिखाना भी बेहद ज़रूरी है ताकि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो सके। माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत अद्भुत है, उनको आपने बताया शहद प्रिय है और जैसा वध करने के बाद राक्षसों का उन्होंने मधुपान किया था, लेकिन अगर प्रसन्नता की बात करें, कहते हैं कि जब माँ प्रसन्न होती हैं तो अपार भक्ति जो दिखाता है भक्त वो सभी फल जो है उनको मिल जाता है, माँ सभी प्रसन्न होकर सारे फल उनको दे जाती हैं। तो आज के दिन भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें? आज के दिन भक्तों को जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ का आह्वान करना है, व्रत रखना है, लाल वस्त्र पहनने हैं। माँ के जो आज के दिन के जो वस्त्र जो है सबसे प्रिय वस्त्र है वो लाल है, ऋषि पुत्री होने के कारण। आपने देखा होगा कि बहु जो ऋषि हैं या जो मुनि ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते हैं उनका जो वस्त्र है प्रिय वस्त्र भगवा होता है जी, केसरिया जी, बिल्कुल। तो वो केसरिया वस्त्र जो आज माँ का सबसे प्रिय वस्त्र है। तो आज के दिन आपको अगर घर में सुख समृद्धि चाहिए, परिवार में सुख समृद्धि चाहिए, परिवार के लोगों की लंबी आयु के लिए, आप घर में घर के ऊपर सबसे ऊँचे स्थान पर भगवा ध्वज भगवे कलर का अगर झंडा अर्पित करते हैं माँ के नाम से, और जो आज से लेके विजय दशमी तक आप किसी भी वो झंडा अपने घर के सबसे ऊंचे पॉइंट पे अगर करते हैं तो उससे जो है आपकी धर्म की रक्षा होती है और आपका परिवार की रक्षा होती है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, जब हनुमान जी आपके लंका में गए तो उन्होंने जो है आपके जो विभीषण थे उनके घर पे जो पताका थी वो इसी कलर की पताका थी, उसी के कारण उस घर पे उन्होंने लैंड किया और उनको लगा कि यहाँ पे कोई देव पुरुष रहता है। अच्छा, पूरी लंका में एक लैंडमार्क बन गया। एक उससे इसी तरीके से जब घर के ऊपर आप ये ध्वज लगाते हैं तो सुबह का जो प्रभात का जो समय है उस टाइम जो आकाशीय जो देवी देवता जब विचरण करते हैं तो उनकी अलग से दिव्य दृष्टि आपके घर पे पड़ती है और एक अलग से एनर्जी आपके परिवार को आपके घर को मिलती है। तो ये धर्म की रक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत उत्तम बात आपने गुरुजी बताई कि धर्म की रक्षा के लिए और कैसे ईश्वरीय शक्ति जो है वो आपके घर पर आपके ऊपर बनी रहे, तो ये चीज़ बहुत ही और महत्वपूर्ण है। पताका जिसे कहते हैं वो एक ध्वज होता है तिकोन तरह का, क्यों गुरुजी मैंने ठीक कहा कि तिकोना हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि उसको धर्म की रक्षा करें। धर्म रक्षा धर्मो रक्षिता, आप अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा जी। और आप पताका लगा रहे हैं तो आप एक संकेत दे रहे हैं कि आप धर्म की रक्षा के लिए उत्सुक हैं। और सबसे बड़ा धर्म जो है राष्ट्र धर्म है। आप जिस राष्ट्र में रहते हैं, जैसे अगर मैं अमेरिका में रहता हूं तो मैं उस राष्ट्र में अगर वहां रहता हूं तो मेरा राष्ट्र धर्म है पहला कि उस देश में जहां मैं रह रहा हूं उसके बारे में अच्छा सोचना जी। उसके बाद मेरा धर्म जो अपना है जिस धर्म से मैं हूँ तो उस धर्म की रक्षा। तो सबसे पहले राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म के लिए आपको जो राष्ट्र के लिए जो है आपको इस ध्वज को लगाना बहुत जरूरी है जी। अगर गुरु जी हम माँ के साथ साथ हम ये भी समझे कि आम व्यक्ति को या हम जैसे लोगों को भी माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई वस्त्र धारण करने, क्या वो भी केसरिया रंग के होंगे या कुछ अन्य? आप केसरिया आज के दिन केसरिया कलर जो है बच्चों को, कंजकों को, कन्याओं को, क्योंकि कन्या रूप में माँ कात्यायनी आई थी तो कन्याओं को केसरिया कलर पहनाए। और सबसे क्योंकि लक्ष्मी जी का सर्वप्रिय कलर जो है लाल है तो लाल कलर और केसरिया कलर आज अगर आप पहनते हैं पहनाते हैं बच्चों को तो बहुत ही सौभाग्यकारक है, क्योंकि ये आज का दिन जो है चौथा पांचवा और छठा जो नवरात्रा है माँ लक्ष्मी का है। कल से जो सप्तम अष्टम और नौवीं तक के जो तीन नवरात्रे हैं वो माँ सरस्वती की हैं। तो आज लक्ष्मी के लिए आप माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, कात्यायनी रूप में स्वर्ण आभूषण खरीदें, अच्छे आभूषण बच्चों को पहनाएं और पूजा पाठ करें और प्रसन्न प्रफुल्लित रहें जी। माँ के रूप में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आप सप्तशती को जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि
सब देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देव देवताओं के शरीर से जो शक्तियाँ निकली उनसे जो एक आकृति बनी वो माँ की आकृति थी, जिसको हम माँ दुर्गा कहते हैं। लेकिन बाकी देवताओं का तो मैं जिक्र नहीं करता, सबसे बड़ा जो जिक्र आता है वो जो है माँ के जो केश जो बने हैं, जिनको आप बाल कहते हैं, केशों का निर्माण जो हुआ वो जो है आपका धर्मराज की जो शक्ति थी। अच्छा, धर्मराज की शक्ति से केशों का निर्माण हुआ। और स्त्री जाति शक्ति रूप में अगर हमारे सामने है तो उसकी जो सारी शक्ति है उसके केशों के अंदर है। अच्छा। तो स्त्री को मैं स्त्री जाति के लिए अपनी बच्चियों के लिए सबके लिए एक निर्देश दे रहा हूँ कि उनको अपने बाल नहीं काटने चाहिए, उनकी ताकत बालों में है, और बालों को उनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके उसको गूंथ के रखना चाहिए, खुला छोड़ना भी वो भी अच्छा नहीं है। और ध्यान ये बहुत ज़रूरी है, जो बच्चियां जो है हमारे जो माताएं हैं उनको अपनी बच्चियों के बालों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, छोटी बच्चियों का, उनके बालों की कटिंग ना कराएं, क्योंकि अगर कटिंग करवा दी तो आपने उनकी शक्ति को कम किया। अच्छा। और जितने लंबे बाल होंगे उस लड़की वो उतनी शक्तिशाली होगी, हर फील्ड में वो अच्छी निकलेगी। बालों का महत्व मैं बताता हूँ, और बालों पे कोई हाथ भी ना लगाए। अच्छा। जैसे जो पुरुष अगर किसी को प्रताड़ित करता है और उसने अगर कन्या के या किसी स्त्री के बालों को हाथ लगाया तो साक्षात यमराज आके खड़े हो जाते हैं उसकी रक्षा के लिए। अच्छा। तो आप यमराज से पंगा ना लें कभी। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी चीज जो मैं बता रहा हूँ, पहले तो आप केशों की रक्षा करें, इनको काटे मत। आप ये देखिए ना, शक्ति का जो है, अब हिंदू धर्म की रक्षा किसने की है? गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने शक्ति की उपासना की है। जी। जब सवा मन जनेऊ जो है आपका औरंगजेब उतार के डेली हिंदुओं के, तब वो खाना खाता तो उस रक्षा के लिए जो आए सामने आए गुरु गोविंद सिंह जी आए, और उन्होंने सिख वेश जो किया उसमें पहली चीज थी केशों की रक्षा। आज भी आप देखें हमारे सिख वेश जो है, सिखों का जो वेश है उसमें बालों का सबसे बड़ा महत्व। तो आप किसी सरदार के पगड़ी को जो बाल को हाथ नहीं लगा सकते, मार देगा आपको जान से, क्योंकि उसे पता उसकी सारी शक्ति इसके अंदर है। तो बालों की शक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ। जब हमारे जो ऋषि लोग थे वो भी जटाएं बाल रखते थे, और सबसे माँ कात्यायनी को समझने के लिए ये जाना भी बेहद जरूरी कि माँ कात्यायनी इतने लंबे केश क्यों रखती थी, या फिर माँ का जो स्वरूप है दुर्गा माँ का वो लंबे केश क्यों थे। केशों का महत्व तो ये है क्योंकि उसको जो केशों में जो शक्ति आई है वो धर्मराज की आई है। जी, जी। और आपको घर में भी बच्चों के केशों की, अपनी बच्चियों की केशों की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों के केश कटवा देते हैं या फैशन की उसमें करवा देते हैं, तो आपको तो आप लोग इन चीजों का ध्यान बेहद जरूरी रखें। और गुरुजी ये एक बहुत ऐसी चीज है जो आपको इस चीज के बारे में कोई नहीं बताएगा। ये एनालिसिस आपका जो है दुर्गा सप्तशती से ही है, आप पढ़िएगा उसमें। यानी कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, और वो अर्थ समझ जाएं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में हम सभी के समक्ष हो। गुरु जी, अगर हम विवाह की बात करें, माँ सौभाग्यवती जो है ये वरदान देती कि सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहें, सौभाग्यशाली रहें, तो माँ कात्यायन को कैसे प्रसन्न करें विवाह के लिए? क्योंकि बहुत सी ऐसी बच्चियाँ भी हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ भी हैं या लड़के भी हैं कि उनका विवाह जल्दी नहीं हो पाता है, तो वो कैसे विवाह के बंधन के इस सूत्र में बंध पाएंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो माँ है ना, माँ को हर चीज़ पता है कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो आप अगर माँ का ध्यान करते हैं दिल से तो आपको उनसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को क्या चाहिए, आपको उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी मनोकामना वो पूर्ण होगी, सिर्फ विवाह से मत लीजिएगा। नौ के नौ नवरात्रों में आप जिस चीज़ की आप में कमी है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, धन नहीं है आपके पास, पारिवारिक सुख नहीं है आपके पास, किसी भी चीज़ की स्वास्थ्य में कोई कमी है, तो वो माँ ने देखना है कि ये मेरा भगत है, मेरी इतनी पूजा कर रहा है, दिल से मेरी अर्चना कर रहा है। तो जब आप माँ को दिल से बुला रहे हैं तो माँ क्या देखती नहीं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो आप जिस भी देवी का ध्यान करेंगे, ज़रूरी नहीं सिर्फ माँ कात्यायनी ही आपको विवाह के लिए वो देगी, माता के नौ रूप को आप दिल से ध्यान करिएगा नवरात्रों के अंदर, और आपकी जो भी मनोकामना है, मैं एक स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ कि आप माँ कात्यायनी जी का रूप का
ध्यान करेंगे तो पति अच्छा प्राप्त होगा, नहीं, नव दुर्गा के किसी भी रूप का ध्यान करते हैं, जब किसी का आप माँ के रूप में आप ध्यान करते हैं तो माँ को पता होता है बच्चे को कब दूध चाहिए और बच्चे को कब पेट में दर्द है, आप मुंह से तो बता नहीं पड़ते छोटा बच्चा भी है। गुरुजी की बेटा बुलाए तब दौड़ी चली आए माँ, और यही बात है कि जब भी आप माँ को बुलाएंगे तभी दौड़ी चली आएंगी, लेकिन सिर्फ आपको सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना, ये सब कुछ करना बेहद ज़रूरी होता है। नवरात्र के 9 दिनों में हम देवी शक्ति की उपासना करते हैं, और शक्ति की उपासना का मतलब है कि आपके पास भी शक्ति आएगी क्योंकि आपने उनकी आराधना की है, उनको मनाने का पूर्ण प्रयास किया है, क्योंकि आप लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, प्रयास आपकी शक्ति, स्त्री जाति की शक्ति उनके केशों के अंदर है। और ये बात जो है बहुत अहम है कि एक स्त्री की शक्ति उनके केशों में है, उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, गुरुजी ने आपको बताया है। उसमें जो है आपका जो यमराज का वास होता है, तो कोई भी उस तरफ बुरी नजर से देखने से पहले या उसको प्रताड़ित करने से पहले एक बार सोच ले वो छेड़ किसको रहा है, वो यमराज को डायरेक्ट इनविटेशन दे रहा है। कहीं ना कहीं तो जो पापी पुरुष है, पापी पुरुष है, पापी पुरुष जो हैं जिनकी दैत्य प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, उनमें ये चीज़ें होती हैं, वो इतना जान लें जो महिषासुर का हाल हुआ वही हाल आपका भी होने वाला है। महिषासुर ने भी एक बार उसमें सप्तशती में एक दो जगह पे जो है इन दैत्यों ने बोला है कि माँ को बालों से घसीट के ले आओ मेरे पास, क्या हाल क्या हुआ उनका, पूरी राक्षस जाति ही खत्म हो गई, पूरी राक्षस जाति का खात्मा सिर्फ इस छोटी सी बात के कारण, माँ के केशों की तरफ ध्यान गलत नियत से देने से उनका खात्मा हुआ जी। तो स्त्री जाति का सम्मान करें, और स्त्रियों को चाहिए कि अपने केशों का सम्मान करें क्योंकि उनकी सारी शक्ति जो उनके बालों में होती है जी। यानी कि जो शक्ति हम माँ की उपासना कर रहे हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं छिपी है। गुरु जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि दुर्गा सप्तशती का हम लोग जो पाठ करते हैं उसके अर्थ को समझ लीजिए, अगर उसके अर्थ को समझ लेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। गुरु जी एक बहुत अहम चीज़ है, जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं कि माँ आप मेरी जीवा की रक्षा करें, या कवच के अंदर जो बहुत चीज़ें कवच में अलग अलग देवियाँ जो है ग्रीवा की, माँ ग्रीवा और कंठ की, कंठवासिनी, इस तरीके से अलग अलग जो हैं, ये कवच का पाठ अगर करके निकलते हैं मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कभी आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी आप जिस कार्य के लिए कवच का पाठ करके, सिर्फ कवच का पाठ करके डेली हर एक व्यक्ति को कवच का पाठ करके, अगर आजकल लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, घर से बच्चा निकलता है उनके दिमाग में ये रहता है पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए, बुज़ुर्ग लोग जो हैं बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आप कवच का पाठ करके घर से निकलते हैं या आप खुद कवच का पाठ करते हैं, दुर्गा के कवच का पाठ करते हैं, तो एक आप में एक आत्मबल, आपको एक भरोसा ऊपर वाले, क्योंकि जब उसमें देखते हैं कि हर चीज़ को नख से लेके, केस से लेके, पैर के नख तक हर चीज़ के लिए आपने माँ से स्तुति कर ली है कि किस किस चीज़ की, महालक्ष्मी किस चीज़ की रक्षा करें, हर चीज़ की रक्षा उसमें, हर चीज़ को बांध लिया आपने कवच में, जब आप कवच का पाठ करके चलते हैं तो आपको ऐसी दिमाग में जो है धारणाएं नहीं आती, गलत ख्याल नहीं आते, पूरा दिन आपको अच्छा निकलता है। बच्चों की बात करें तो विद्या को हम जो है नहीं चुक सकते क्योंकि बच्चों के लिए भी बात करना बेहद ज़रूरी है, विद्या अर्जन के लिए क्या उनको भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, या फिर वो बहुत छोटा बच्चा है अभी स्कूल में आया है इतना नहीं सब शब्दों को नहीं समझ पाता है, तो वो कैसे माँ की उपासना करें, क्या सिर्फ हाथ जोड़ने से ही माँ प्रसन्न हो जाएंगे या कुछ और है? अगर सिर्फ जय माता दी, जय माता दी, माता का जकारा ही उससे आप बुलवाते हैं तो वो भी उसके लिए काफ़ी है। और ये जो अगले 3 दिन 7वां 8वां 9वां नवरात्रा है माँ सरस्वती का है, इसमें बच्चों को आपको संस्कार डालने के लिए एक नवरात्रा चाहे वो लास्ट वाला रखवाएं या कोई भी बीच का रखवा दें, आप उनको ज़रूर रखाएं और उनको इसका महत्व बताएं कि माँ सरस्वती जो है बुद्धि की देने वाली है, सफ़ेद वस्त्र है माँ के, और उसका ध्यान कैसे करना है जी। गुरु जी अगर हम दान की बात करें क्योंकि हमारे जितने भी भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ व्रत होते हैं उनमें दान बहुत जो विशेष रूप से बताया गया है, तो आज के दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान होना चाहिए या फिर पूरे नवरात्र में एक ही चीज़ रहती है? देखिए सबसे विशेष दान जो है वो अन्न का दान है, अन्न के दान की बड़ी महत्ता, और गरीब दरिद्र नारायण, दरिद्र के साथ में नारायण क्यों लगा, दरिद्र नारायण को अगर आप
भोजन करवाते हैं तो उससे बड़ा कोई दान नहीं है। अच्छा। भूखे को भोजन करवाना सबसे बड़ा दान है जी। आडंबर के लिए हम बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन सही दान जो है वो दरिद्र नारायण की को भोजन करवाना, उसके पेट की भूख को मिटाना सबसे बड़ा दान है। अन्न दान सबसे बड़ा दान है। तो किसी भी यज्ञ के लिए आप देखेंगे उसकी पूर्णता पर गरीबों को भोजन कराया जाता है। करवाते नहीं करवाते? कोई भी आपका यज्ञ होता, कोई भी आपके घर में वो होता, तो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए एक प्रावधान है। तो सबसे बड़ा दान जो है अन्नदान का है, तो अन्नदान करवाइएगा, गरीबों को दीजिएगा, बाकी माँ का जो प्रिय है, जो वस्तु है, उसका प्रसाद रूप में वितरण कर दीजिएगा जी। गुरु जी भी देखा जाता है कि हम नवरात्रों के दौरान जो है घर में भजन कीर्तन या जागरण चौकी ये सब जरूर करवाते हैं, तो इनका क्या विशेष महत्व रहता है? क्या ये कराना ज़रूरी होता है या फिर माँ कुछ विशेष ही आशीर्वाद देती हैं इनसे? देखिए, जब आप जागरण करवाते हैं, जागरण जो है पूरी रात का होता है जी। 10 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 6-7 बजे तक होता है। चौकी जो होती है 4 घंटे की होती है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की। तो घर में जब आप कोई भी प्रायोजन ऐसा करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो ध्यान पर्टिकुलरली उस जिस चीज़ के लिए आप करा रहते हैं उस साइड रहता है। भगवान 24 घंटे में से 18 घंटे में से या 4 घंटे में से अगर एक पल भी आपका ध्यान उधर लग गया तो आपके सारे काम हो गए। फिर ये एक चीज़, एक सामूहिक कार्यक्रम होता है, आप सबको निमंत्रण देते हैं तो सबका ध्यान उधर करते हैं, तो उससे आपको फायदा होता है। यानी कि भजन कीर्तन, माँ की आराधना, ये सब करना भी बेहद ज़रूरी होता है, और भजन एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आप माँ को भी मना सकते हैं। तो आचार्य जी, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जय माता दी। तो दर्शकों, जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको एक मधुर भजन के साथ, ताकि आप लोग भी माँ की आराधना हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से कर सकें। जय माता दी। जय माता। आरती नव दुर्गा तेरी आरती, आरती नव।